हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिश आपके लिए लेके आ रही हूँ ये है लड्डू। बहुत ही हेल्दी लड्डू है, हाई प्रोटीन डाइट है और इसके अंदर हमने शुगर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। खाने में बहुत ही टेस्टी है। देख अलसी प्रोटीन लड्डू बनाने के लिए मैं जो सामान ले रही हूँ एक बार मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिया है खजूर, ये 10 खजूर हैं, एक कटोरी अलसी। अलसी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। नारियल एक कटोरी, आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी किशमिश और बहुत थोड़ा सा मैंने तिल लिया है, ये ऑप्शनल है, तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करिए। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना अलसी और नारियल को रोस्ट कर लेते हैं। एक छोटी कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर अलसी को डालेंगे और ये हमें बहुत हल्का सा रोस्ट करना है, करीब कम आंच पर। एक मिनट के लिए इसको हम रोस्ट करेंगे। साथ साथ दूसरी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ नारियल, इसको भी हमें रोस्ट करना है। टाइम को बचाते हुए दोनों मैंने अलग अलग कढ़ाई में अपना सामान रोस्ट होने के लिए रखा है। खजूर को हम बीज से खोलेंगे और इसके अंदर अगर बीज है तो उसको हम अलग कर लेंगे। खजूर के अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है तो खजूर को आप ऐसे ही सुबह से शाम तक कभी भी मीठा खाने का मन हो तो खा सकते हैं। अलसी को एक बार चलाते हैं और ये हमारा हल्का हल्का रोस्ट हो गई है। हल्की सी खुशबू आने लगती है तो हमें पता चल जाता है अलसी हमारी रोस्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा नारियल को भी नहीं मैं भून रही हूँ, हल्का सा, जिससे ये अपना थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे। और एक मिक्सी जार में सबसे पहले मैं बादाम को डाल रही हूँ तो हल्का सा दरदरा कर लेंगे। हल्का हल्का बादाम को मैंने दरदरा कर लिया है, साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अलसी, खजूर, किशमिश और हल्का सा रोस्ट किया हुआ नारियल। सभी चीजों को अब हम एक हल्का सा दरदरा करेंगे, चेक कर लेते हैं थोड़ा और। सभी चीजें हमारी अच्छे से पिस गई हैं तो अब एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। सभी मिक्स किया हुआ मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब धीरे से कुछ पार्ट इसका हम लेते जाएंगे और छोटे छोटे लड्डू तैयार करेंगे। मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं और ना इसके अंदर हमने घी का इस्तेमाल किया है, ना हमने चीनी डाली है, ना ब्राउन शुगर डाली है। और धीरे धीरे से इसको हम बनाते जाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, हेल्दी हैं, शुगर फ्री हैं। और देखो मेरे हाथ के ऊपर अपने आप से शाइन आ जा रही है क्योंकि नारियल के अंदर जो ऑयल था वो हल्का सा रोस्ट करने के बाद हमारा उसने ऑयल छोड़ दिया था, तो ये एकदम शाइनिंग वाले लड्डू हमारे बन रहे हैं। ऐसे ही सभी लड्डू हम रेडी कर लेते हैं। कर हमारे सभी लड्डू रेडी हैं तो अभी हम कुछ लड्डू को ऊपर से कवर करेंगे तिल से। ये मैंने पहले भी बोला है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करिए। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उतने ही हेल्दी हैं और आप ऐसे ही लड्डू बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।